लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे शॉर्ट कॉलम्स का डिज़ाइन, और असल में शॉर्ट कॉलम के बिहेवियर के बारे में बात कर रहे थे। डिज़ाइन तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। आज डिस्कस करेंगे शॉर्ट कॉलम सब्जेक्टेड टू बाई एक्सियल बेंडिंग, यानी एक ऐसा शॉर्ट कॉलम जिसको दो मोमेंट और एक अप्लाइड लोडिंग यानी एक्सियल लोड जिस पे आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्विक रिव्यू शॉर्ट कॉलम के बिहेवियर का। हमें पता है कि बीम के केस में हमारे पास कोई एक्सियल लोड, सिग्निफिकेंट एक्सियल लोड नहीं होता। ठीक है, प्राइमरी जो एक्शन है वो एम यू है, और पी यू जो है वो ऑलमोस्ट जीरो होता है या लेस देन 10% ऑफ द कैपेसिटी होता है, वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। इस केस में, बीम के केस में, जो प्राइमरी एक्शन डेफॉर्मेशन कर्व है वो मोमेंट वर्सेस कर्वेचर कर्व है, यानी ये एक ऐसी कर्व है जो बीम के नॉन लीनियर मटेरियल्स पे, बीम के अमाउंट ऑफ स्टील पे और क्रॉस सेक्शन साइज वगैरह पे डिपेंड करती है। और ये कैपेसिटी कर्व है, यानी ये कर्व आपको ये बताएगी कि ये बीम किस मोमेंट पे यील्ड हो जाएगा, किस मोमेंट पे क्रैक हो जाएगा। ये प्राइमरी एक्शन डेफॉर्मेशन कर्व है या कैपेसिटी कर्व है। अगर आपने देखना है कि किसी खास मोमेंट के ऊपर बीम की क्या कंडीशन होगी, तो आप वो अप्लाइड मोमेंट का पॉइंट इस कर्व के ऊपर प्लॉट करके देख लें। अगर वो कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है तो विच मीन्स आपकी बीम इस मोमेंट के ऊपर अल्टीमेट फेलियर के पास है। अगर वो यहाँ लाई कर रहा है तो इसका मतलब है आपकी बीम अभी इलास्टिक रेंज में है और सेफ है। ये कैपेसिटी कर्व है बीम के केस में। कॉलम के केस में सिर्फ अकेला मोमेंट नहीं होता, बल्कि एम यू के साथ पी यू भी होता है। ठीक है, लिहाजा कॉलम की कैपेसिटी भी सिर्फ मोमेंट कैपेसिटी नहीं होगी, बल्कि एक्सियल लोड कैरिंग कैपेसिटी भी होगी। तो कॉलम के केस में जो कर्व हमें कैपेसिटी बताती है हमारे कॉलम का, वो पी एम इंटरेक्शन कर्व कहलाती है। वाई एक्सिस पे पी होता है एक्सियल लोड, और एक्स एक्सिस पे मोमेंट होता है। ठीक है, और ये कर्व जो है, ये जिन पॉइंट से मिलके बनती है वो सारे पी और एम के वो कॉम्बिनेशन होते हैं जिन पे कॉलम फेल हो जाएगा। अगर आप हमें ये पी एम कर्व दे दी जाए, यानी अब ये कैपेसिटी कर्व है कॉलम की। ठीक है, ये कॉलम की कैपेसिटी कर्व है। ये बीम का केस है, और ये शॉर्ट कॉलम्स का, अगर ज़रा टेक्निकली करेक्ट बात करें तो ये शॉर्ट कॉलम्स की कैपेसिटी कर्व है। और ये कर्व भी आपकी अमाउंट ऑफ स्टील, आपके क्रॉस सेक्शन साइज, एफ सी प्राइम, एफ वाई, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगी। एक गिवन कॉलम के लिए ये कर्व प्लॉट की जा सकती है, यानी वो पी और एम के सारे कॉम्बिनेशन कैलकुलेट किए जा सकते हैं जो कि मिल के इस कॉलम को फेल करवाएंगे। तो आप कोई रियल नंबर्स के साथ ये कर्व प्लॉट कर सकते हैं अगर आपको एक गिवन क्रॉस सेक्शन साइज और स्टील और क्रॉस सेक्शन की सारी डिटेल दे दी जाए। ये काम आप अगर करना चाहें तो ई टैब्स के सेक्शन डिजाइनर में कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको फैसिलिटी देता है ये प्रोग्राम कि आप कोई भी क्रॉस सेक्शन उसमें ड्रॉ करें, उसमें स्टील प्रोवाइड करें, जिस भी तरह से लेआउट है वो दें, और आप एक सिंगल क्लिक के साथ आप उसकी पीएम इंटरेक्शन कर्व बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये किन पी और एम के कॉम्बिनेशंस पर, किन पेयर्स के ऊपर ये फेल होगा। अगर आपको गिवन अप्लाइड लोडिंग अब दी जाए, तो कॉलम के केस में वो सिर्फ एक एम नहीं होगा, बल्कि पी और एम का एक पेयर होगा जो एक लोड कॉम्बिनेशन से प्रोड्यूस हो रहा होगा। वो पेयर लेके आप इस कर्व में जाएंगे और देख लेंगे कि वो पेयर इस कर्व के बाहर लाए कर रहा है या अंदर लाए कर रहा है। अंदर लाए कर रहा है तो ये एग्जिस्टिंग डिज़ाइन जिसकी ये पी एम इंटरेक्शन डायग्राम है ये सेफ है, अगर बाहर लाए कर रहा है तो ये एग्जिस्टिंग डिज़ाइन सेफ नहीं है। तो यूँ हम कॉलम के केस में कैपेसिटी को इस कर्व से शो करते हैं, और फिर अप्लाइड लोडिंग का पेयर जो है वो देखते हैं। इसमें जो प्राइमरी इंटरेक्शन का सोर्स है वो क्विकली मैं बता देता हूँ। अगर हमारे पास एक बिल्कुल कॉन्सेंट्रिकली लोडेड कॉलम हो, एक आइडियल कॉलम हो जिसमें कोई मोमेंट नहीं है, तो उसकी एक्सियल लोड वर्सेस एक्सियल शॉर्टनिंग डायग्राम बनाई जा सकती है। ये कॉलम है, साइड व्यू आप देख रहे हैं, इस पर बिल्कुल एक कॉन्सेंट्रिकली अप्लाइड लोड है। मैं कंक्रीट की जो कैपेसिटी है वो
और कंक्रीट की जो एक्सियल शॉर्टनिंग है वो प्लॉट कर सकता हूँ, यानी कंक्रीट के अंदर पी और उसकी स्ट्रेन, ये नॉन लीनियर होगी बिकॉज कंक्रीट अपनी नेचर में स्टार्टिंग से ही नॉन लीनियर है। स्टील के केस में भी अगर एक्सियल लोड और उसकी एक्सियल शॉर्टनिंग स्ट्रेन प्लॉट की जाए तो वो इस तरह बन जाएगी बाईलीनियर टाइप, जो कि स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। और अगर कोई मोमेंट नहीं है तो आप पूरे कॉलम की एक्सियल लोड और एक्सियल शॉर्टनिंग की स्ट्रेन डायग्राम बना सकते हैं, वो सिंपली दोनों की कंट्रीब्यूशन हो जाएगी। सो आपके पास कंक्रीट प्लस स्टील दोनों की एक कंबाइंड कर्व आ जाएगी। लेकिन ये सिचुएशन, यानी इस सूरत में जो कैपेसिटी है वो सिर्फ ये पीक पॉइंट है, वो सिर्फ पी से शो हो रहा है, ठीक है। अगर कॉन्सेंट्रिकली लोडेड कॉलम की कैपेसिटी की बात करें तो वो एक पी एन एक नंबर होगा, सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर। मैक्सिमम एक्सियल लोड जो जिससे ज़्यादा अगर लगाया जाए तो ये कॉलम कंप्रेशन में क्रश हो जाएगा। लेकिन अगर मोमेंट भी आ जाए, दोनों एक्शन आ जाएं, जैसे कि मोस्टली होता है कि आपको इंसेंट्रिकली लोडेड कॉलम नहीं है बल्कि एक्सेंट्रिकली लोडेड कॉलम है, उस केस में कोई इसेंट्रिसिटी है अप्लाइड लोडिंग की, तो इसका मतलब है दोनों एक्शन अप्लाई हो रहे हैं, एक्सियल लोड भी हो रहा है पी भी, और मोमेंट इक्वल हो रहा है विच इज़ इक्वल टू पी इंटू इसेंट्रिसिटी। अब इस केस में जब दोनों एक्शन अप्लाई हो रहे हैं तो कैपेसिटी क्या होगी? उस केस में तो कैपेसिटी होगा पी एन, जो पीक नंबर है, मैक्सिमम एक्सियल लोड, मोमेंट कोई नहीं है। यहाँ पर जो कैपेसिटी है वो अब एक नंबर नहीं है, यहाँ पर पूरी कर्व है, बिकॉज आप देखेंगे कि पी को चेंज करने से डिफरेंट मोमेंट पे फेलियर कॉज होगा, या मोमेंट को चेंज करने से डिफरेंट एक्सियल लोड पे मोमेंट फेलियर कॉज होगा। तो इसका मतलब है कि पी और एम के बहुत से कॉम्बिनेशन हैं जो मिल के फेलियर कॉज करेंगे, और आप उनको एक कर्व से प्लॉट कर सकते हैं जिसकी टिपिकल शेप ये होती है। अगर आप थ्योरेटिकली देखें कि आप इस केस में जिसमें पी और एम दोनों अप्लाई हो रहे हैं, आप अगर कैलकुलेट करें डीसी रेशो, यानी स्ट्रेसेस का सम कैलकुलेट करें फॉर एग्जांपल फर्स्ट, तो आप देखेंगे कि पी ओवर ए एक्सियल स्ट्रेस है, एम वाई ओवर आई बेंडिंग स्ट्रेस है जो मोमेंट की वजह से है, तो ये कंबाइंड स्ट्रेस है जो आ रहा है, ठीक है। और आप इसको ज़रा रीअरेंज करें, एफ यू को उसके नीचे लेके जाएं, रीअरेंज करें तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी कि एक टर्म आपकी पी की होगी और एक टर्म आपकी एम की होगी, बिकॉज एफ सी यू तो वो मैक्सिमम स्ट्रेस है जो आपका कॉलम ले सकता है, तो ये कॉन्स्टेंट होगा। सो ये इक्वेशन है असल में इंटरेक्शन की इक्वेशन, जिसमें दो टर्म्स जो हैं वो एक पी वाली और एक एम वाली ऐड हो रही हैं। आप इन्हें किसी कांस्टेंट नंबर्स के लिए प्लॉट करें तो आप देखेंगे कि पी को, और प्लॉट इस तरह करें कि पी को एक नंबर देते जाएं और उससे एक एम कैलकुलेट करते जाएं इस इक्वेशन से, तो आप देखेंगे कि एक इंटरेक्शन डायग्राम आपके पास इस तरह की बन जाएगी। परफेक्टली सिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन के लिए जो कि इलास्टिक मटीरियल का बना होगा, उसके लिए तो ये परफेक्टली एक इस तरह डायमंड शेप डायग्राम बन जाएगी, जो सिंपली ये बताएगी कि अगर आप मोमेंट बढ़ाएंगे तो फेलियर एक्सियल लोड कम होता जाएगा, ठीक है, या मोमेंट कम करेंगे तो फेलियर एक्सियल लोड बढ़ता जाएगा लीनियरली। सो अगर कोई दो अप्लाइड लोडिंग के पॉइंट्स दिए जाएं जैसे ई और एफ, तो ई सेफ है, एफ के अगेंस्ट ये कॉलम अनसेफ है। लेकिन रियल कंक्रीट का बिहेवियर ऐसा नहीं है, वो इतना इलास्टिक मटेरियल भी नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है। अगर एक ऐसे मटेरियल के लिए बनाया जाए कि जिसकी टेंसाइल कैपेसिटी जीरो है, तो ये डायमंड पूरा का पूरा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, कंप्रेशन वाली साइड पे, टेंशन वाली साइड पे जीरो हो जाएगा। अगर कोई ऐसा मटेरियल है जिसकी कोई थोड़ी बहुत टेंसाइल कैपेसिटी अवेलेबल है, लाइक 50% ऑफ द कंप्रेशन, तो ये डायगोनल थोड़ा नीचे आ जाएगा। बट रियल कंक्रीट के केस में जहाँ नॉन लीनियर कंक्रीट होता है, तो ये कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं होती बल्कि ये कुछ इस तरह से इंटरेक्शन डायग्राम बनती है। फिर एक और आपके पास एविडेंस इस बात का कि मोमेंट और एक्सियल लोड इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो ये है कि अगर आप एक मोमेंट कर्वेचर कर्व प्लॉट करें, इसी सेक्शन डिज़ाइनर से ही प्लॉट करें, तो आप देखेंगे कि वो बाय डिफ़ॉल्ट जो प्लॉट होगी वो पी इक्वल टू ज़ीरो पे प्लॉट होगी, यानी जब कोई एक्सियल लोड नहीं था, विच मीन्स बीम का केस था। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट कर्व है ये बीम की कर्व है, लेकिन अगर उसी क्रॉस सेक्शन को एज अ कॉलम इस्तेमाल किया जाए और उस कॉलम के ऊपर कोई एक्सियल लोड आ रहा हो जो नॉन ज़ीरो हो, तो आप देखेंगे कि उसमें सेक्शन डिज़ाइनर में ये फीचर भी है कि आप पी की कोई वैल्यू दे के दोबारा से उसी क्रॉस सेक्शन के लिए प्लॉट करवाएं तो कर्व डिफरेंट होगी। सो अब ये देखें कि एग्जांपल क्रॉस सेक्शन के लिए जिसमें कोई स्टील और कंक्रीट का आरसी सेक्शन था,
जब पी बिल्कुल जीरो था तो आपके पास कर्व ये कैलकुलेट हो गया ही, जो बॉटम वाली कर्व है ये वाली। पी जो है जब 250 था तो ये कर्व थी 500 के, 750 के। तो इसका मतलब है कि जो यील्ड मोमेंट है, जिस मोमेंट पे आपकी बीम या कॉलम यील्ड होगा, क्रॉस सेक्शन जो भी है, वो यील्ड मोमेंट आपके क्रॉस सेक्शन पे आने वाले एक्सियल लोड पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यानी बीम किस मोमेंट पे यील्ड होगी, इसका इसका इफेक्ट है एक्सियल लोड के लेवल का भी, उस पर इफेक्ट है। सो आप ये देखें कि ये वाला जो 750 के जिस पर एक्सियल लोड आ रहा है, तो ये जो है ये मोमेंट हाई मोमेंट के ऊपर यील्ड हो रहा है, बट यील्ड होने के बाद ब्रिटल फेलियर दे रहा है, जबकि जो लो पी की वैल्यू है उस पर फेलियर जो है वो लो वैल्यू पर हो रहा है, बट फेलियर डक्टाइल है। तो विच मीन्स के पी और एम आपस में मिल के फेल करवाते हैं, एक अकेला आप नहीं दे सकते इसमें। सो यूनी एक्सियल बेंडिंग जब होगी, जब एक डायरेक्शन का मोमेंट आ रहा है आपके कॉलम पे, तो फिर तो पी और एम की एक कर्व बन जाएगी। ठीक है, और सेक्शन डिजाइनर जो ई टैब्स का है, वो इन इक्वेशंस को इस्तेमाल करके पी की वैल्यू, पी को यहाँ एन जेड से शो किया हुआ है, और एम की वैल्यू कैलकुलेट करता है। बेसिकली ये फाइबर मॉडलिंग अप्रोच पर चलता है, यानी वो आप जो भी क्रॉस सेक्शन उसमें डिफाइन करते हैं ई टैब्स में, प्रोग्राम उसको छोटे छोटे फाइबर्स में तकसीम कर देता है। ठीक है, जैसे ये मैशिंग हो गई, और अब हर फाइबर का, लेट से ये एक फाइबर है, हर फाइबर को एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व असाइन हो जाती है, जो मटेरियल में आपने डिफाइन की होती है या डिफॉल्ट में जो होती है। सो अब वही क्रॉस सेक्शन एनालिसिस होता है, पहले स्ट्रेन प्रोफाइल बनाई जाती है, फिर स्ट्रेन प्रोफाइल से स्ट्रेस प्रोफाइल बनती है, स्ट्रेन से स्ट्रेस प्रोफाइल बनने में जो मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो इस्तेमाल हो रहा होता है। स्ट्रेस प्रोफाइल से चूँकि एरिया मालूम है, तो फोर्स प्रोफाइल बन जाएगी, और फोर्सेस का मोमेंट लेके एम कैलकुलेट कर लिया जाएगा, और फोर्सेस को डायरेक्टली सम करके पी कैलकुलेट कर लिया जाएगा। तो अगर आप इस लॉन्ग एक्सप्रेशन को देखें, डीकम्पोज करें, तो ये असल में यही है कि एक अकेले अकेले फाइबर की मोमेंट का सम किया जाए तो एम बनता है, और अकेले अकेले फाइबर के फोर्सेस का सम किया जाए तो पी बनता है। तो यूं वो पॉइंट बाय पॉइंट पी और एम कैलकुलेट करता जाता है, और ये कर्व आपको अवेलेबल कर देता है। ये एक ऐसी इंटरेक्शन कर्व है जो जिस तरह की डिजाइन एड्स होती हैं, यानी जो आप शॉर्ट कॉलम के डिजाइन में ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। अब हमें पता है कि एक गिवन रीइंफोर्समेंट और क्रॉस सेक्शन साइज से एक पीएम इंटरेक्शन कर्व बन जाएगी। तो आइडिया ये है शॉर्ट कॉलम के डिजाइन का कि जनरलाइज्ड फॉर्म में पीएम इंटरेक्शन कर्व्स की पूरी फैमिली अवेलेबल कर दी जाए, और डिजाइनर जो है वो अपने क्रॉस सेक्शन साइज और अपने एफ सी प्राइम एफ वाई के मुताबिक वो रो पिक कर ले जो कि आपकी डिमांड और कैपेसिटी को इक्वेट करेगा। फॉर एग्जांपल, अब डिजाइनर के पास क्या है, डिजाइनर के पास है पी यू और एम यू का पेयर है, जो कि एनालिसिस से आ चुका हुआ है। यूनी एक्सियली लोडेड शॉर्ट कॉलम की अगर बात करें, डिजाइनर के पास एफ सी प्राइम है, एफ वाई है, और एक इनिशियल बी डी भी है, क्लियर कवर का भी एक इनिशियल एस्टीमेट है, जो वो बार्स इस्तेमाल करना चाहता है, लेट से नंबर 9 की, उनका डाया भी अवेलेबल है, लेकिन उनकी अमाउंट जो है वो मेन वेरिएबल है, जो अभी नहीं पता, जो कि आपका डिज़ाइन जिसके लिए आपने करना है, एएस नहीं पता। तो आइडिया ये है कि इस तरह की जनरलाइज्ड जैसी ये कर्व है फिगर बना दी जाए, यानी जो कॉलम के एफ सी प्राइम एफ वाई बी एच और इन चीज़ों का फंक्शन हो, आप अपना अप्लाइड लोडिंग का नुक्ता और अपने एफ सी प्राइम वगैरह के मुताबिक वो देखें कि वो कहाँ लाई कर रहे हैं। लेट से वो लाई कर रहा है इस जगह पे, यानी आपने ये अपना एफ सी प्राइम एच बी सब कुछ पुट किया, वाई एक्सिस पे देखें क्या है, सिंपल पी नहीं है, बल्कि पी के साथ फी भी मल्टीप्लाई हुआ है डिवाइडेड बाई बी एच। इसी तरह एक्स एक्सिस में मोमेंट के साथ बी एच स्केयर से नॉर्मलाइज किया हुआ है। डिफरेंट किस्म की कर्व्स, डिफरेंट किस्म की कि डिफरेंट अमाउंट ऑफ स्टील के लिए डिफरेंट कर्व्स की फैमिली दे दी गई है। ठीक है, तो आप अपनी पी और एम के मुताबिक अपना पॉइंट देखें कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो आपको पता है कि अब अगर मैं एक ऐसी रो सेलेक्ट करूँ जो इस पॉइंट में से गुजरे, जो कि देखें ऑलमोस्ट 0.04 और 0.05 के बीच में होगी, अगर मैं ये रो सेलेक्ट कर लूँ तो मेरी जो कैपेसिटी कर्व बनेगी वो मेरी डिमांड पॉइंट और कैपेसिटी
कर्व उसी में से गुजर रही होगी, ठीक है, यानी मेरी डिमांड और कैपेसिटी ऑलमोस्ट बराबर हो जाएगी। तो ये वो स्टील की अमाउंट होगी जो मेरे पी और एम के अप्लाइड लोडिंग के कॉम्बिनेशन को रेजिस्ट करेगा फॉर अ गिवन एफ सी प्राइम एफ वाई बी डी सब कुछ, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि आप अपनी अप्लाइड लोडिंग का नुक्ता लेके जाते हैं अपने एफ सी प्राइम एफ वाई सब कुछ को देख के, और वो रो पिक कर लेते हैं जिसने वो कैपेसिटी देनी है जो आपके अप्लाइड लोडिंग के बराबर हो जाएगी। तो यूं आप शॉर्ट कॉलम का डिजाइन करते हैं, यहां से आप एक रो पिक करेंगे, उसको बी डी से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास स्टील आ जाएगा। तो इस तरह की डिजाइन एड्स आपको दे दी जाती हैं जनरलाइज्ड किस्म की पी एम इंटरेक्शन कर्व, लेकिन बेसिक आइडिया अब आप समझ गए हैं कि ये कर्व खुद भी बनाई जा सकती है फॉर अ गिवन एवरीथिंग, फॉर अ गिवन स्टील, फॉर अ गिवन कॉन्क्रीट, एवरीथिंग। तो अगर आप लेट से ये स्टील आपने पिक किया और अब आपका क्रॉस सेक्शन फाइनल हो गया, बी डी पता चल गए, स्टील की अमाउंट पता चल गई, ये अब आप लेके जाएं सेक्शन डिजाइनर में प्लॉट करें और वहां पीएम इंटरेक्शन कर्व प्लॉट करें, वो वही आएगी है जो रेड लाइन मैंने प्लॉट की है, ठीक है। सो बेसिकली आप यूं क्विकली स्टील फाइनल कर लेते हैं, वो स्टील कैलकुलेट कर लेते हैं जिससे डिमांड और कैपेसिटी बराबर हो जाते हैं। तो इस तरह की डिजाइन एड्स आपको डिफरेंट एफ सी प्राइम के लिए मिल जाएंगी, डिफरेंट गैमा, गैमा ये फैक्टर है आप जानते हैं कि क्लियर कवर पे डिपेंड करता है ये। सो ये जितने भी वेरिएबल इन्वॉल्व हैं उनको उन्होंने इजी करके डिजाइन एड्स में कन्वर्ट कर दिया है। सो आप अपने एफ सी प्राइम एफ वाई गैमा के लिए अपनी चार्ट सेलेक्ट करें, उस चार्ट में आप जाके रो पिक कर लें। तो ये तो हो गया यूनी एक्सियली लोडेड कॉलम का डिजाइन के एक एम और एक पी आपको गिवन था। आज का सवाल ये है कि एक पी और दो एम गिवन है, एम यू टू एम यू थ्री, कॉलम दोनों डायरेक्शंस में बेंड हो रहा है, ठीक है, तो डिजाइन कैसे करेंगे। सो बाई एक्सियल बेंडिंग के केस में जो कॉलम की कैपेसिटी कर्व है वो एक कर्व नहीं है, वो एक सरफेस है, बिकॉज देखें उस सूरत में पी एम इंटरेक्शन कर्व नहीं प्लॉट होगी, पी एम टू एम थ्री या पी एम एक्स एम वाई सरफेस प्लॉट होगी। ये एक सरफेस है जो ई टैब्स का सेक्शन डिजाइनर बना सकता है, आप क्लिक करें, सेक्शन ड्रॉ करें, क्लिक करें, ये सरफेस बन जाएगी। इस सरफेस के ऊपर हर पॉइंट पी एम टू एम थ्री या पी एम एक्स पी एम वाई का एक ट्रिपलेट है जो फेलियर कॉज करेगा, ठीक है। अब जब दोनों डायरेक्शन के मोमेंट आ गए तो आप दो मोमेंट और एक एक्सियल लोड मिल के कॉलम को फेल करवाएंगे, ठीक है, और वो तीनों एज अ ट्रिपलेट इस्तेमाल होंगे डिजाइन में, वो अब दो नंबर या एक नंबर इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। सो बाई एक्सियली लोडेड कॉलम्स के केस में कैपेसिटी से मुराद होती है पी एम एम सरफेस, ठीक है, पी एम एम सरफेस, दो दफा एम लिखते हैं बिकॉज दो मुख्तलिफ परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में, जो भी क्रॉस सेक्शनल डायरेक्शंस के आप नाम रख लें, टू थ्री रख लें, एक्स वाई रख लें। सो पी एम एम सरफेस, या इसको आमतौर पर कैपेसिटी सरफेस भी कहते हैं, ठीक है, यानी जो अगर आप इसको यूनी एक्सियली लोडेड के केस को देखें तो वो इस सरफेस का एक स्लाइस होता है जिसमें दूसरी डायरेक्शन का मोमेंट जीरो होता है, ठीक है। सो एक मोमेंट और एक एक्सियल लोड होता है तो एक कर्व आ जाती है, लेकिन जब दूसरी डायरेक्शन का मोमेंट भी आ गया तो अब कर्व नहीं रही बल्कि वो पूरी सरफेस बन गई। अब इस सरफेस की सिमेट्री, इसकी शेप बिल्कुल जैसे पीएम कर्व जो है वो कॉलम के अमाउंट ऑफ स्टील, अमाउंट ऑफ कॉन्क्रीट, क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस, एफ सी प्राइम एफ वाई सब पे डिपेंड करती है, इसी तरह ये सरफेस भी उन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो एक गिवन क्रॉस सेक्शन आप बनाएंगे जब सेक्शन डिजाइनर में, तो वो आपको उसकी सरफेस प्लॉट करके दे देगा। आप उसमें ज़रा देखें कि स्टील को अनसिमेट्रिक करके देखें तो सरफेस भी अनसिमेट्रिकल हो जाएगी। बिल्कुल परफेक्टली सिमेट्रिकल कॉलम बना दें तो ये सरफेस परफेक्टली एक गोल, एक सफियर की तरह हो जाएगी। सो कैपेसिटी से जब कैपेसिटी का लफ्ज आ जाए बाई एक्सियल बेंडिंग में तो फिर हम कहेंगे पी एम एम इंटरेक्शन सरफेस, पी एम एम इंटरेक्शन सरफेस। सो कैपेसिटी का वर्ड जब आएगा तो आपने फिर अप्लाइड लोडिंग की तरफ नहीं देखना, फिर जो मटेरियल प्रॉपर्टीज हैं, क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज हैं, फेलियर क्राइटेरिया, इन चीज़ों पर कैपेसिटी डिपेंड करती है। ये तो समझ आता है मटेरियल प्रॉपर्टीज यानी एफ वाई पर, एफ सी प्राइम पर डिपेंड करेगा कि पी एम एम सर्फेस कैसी हो, क्रॉस सेक्शनल ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करेगा, रेक्टेंगुलर की पी एम एम सर्फेस और होगी, सर्कुलर की और होगी,
किसी और शेप की ओर होगी। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे वो ये फेलियर क्राइटेरिया है। देखें, जब आपने पीएम इंटरैक्शन डायग्राम प्लॉट करनी है या सरफेस प्लॉट करनी है तो आपने ये कैलकुलेट करना है ना कि ये वो पर्टिकुलर पेयर है जिसमें फेलियर हो रहा है। तो पहले फेलियर को भी तो डिफाइन करेंगे ना, फेलियर हम किसे कह रहे हैं। तो इसका मतलब है फेलियर क्राइटेरिया पर भी डिपेंड करती है ये कर्व। यानी मिसाल के तौर पे मैं एक फेलियर क्राइटेरिया जो डिफॉल्ट में यूज होता है वो बताता हूँ, और वो है कि एप्सिलॉन सी इन कॉन्क्रीट रीचेस 0.003। अब ये एक फेलियर क्राइटेरिया है, मैंने ये अपने प्रोग्राम को बता दिया या एनालिसिस में फिक्स कर दिया कि जब भी स्ट्रेन प्रोफाइल ऐसी बनेगी कि जिसमें कॉन्क्रीट की स्ट्रेन इस नंबर को पहुंच जाएगी तो आपने उसको फेलियर स्ट्रेन प्रोफाइल कह देना है। उस स्ट्रेन प्रोफाइल के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पी और एम का पेयर होगा वो कैपेसिटी होगी। ठीक है, अगर मैं ये नंबर 4 कर देता हूँ 0.004 तो जाहिर है कि अब ये नंबर चेंज, ये पेयर चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक और पेयर अब वो जब कॉज करेगा 0.004 तो आप फेलियर डिक्लेयर करेंगे उसे। तो विच मीन्स कि कैपेसिटी जब भी डिफाइन की जाती है किसी भी फॉर्म में तो फेलियर क्राइटेरिया भी उसके बैक एंड पे एक एजम्पशन होती है जो हमें नज़र नहीं आ रही होती, बट हमने ही बताना होता है कि फेलियर किस चीज़ को करार दें जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये कैपेसिटी निकाली गई है। ठीक है, सो आम तौर पे जो प्रोग्राम्स में कंक्रीट के केस में फेलियर क्राइटेरिया डला होता है वो ये होता है कि कंक्रीट की अगर स्ट्रेन 0.003 या जो भी एप्सिलॉन सी यू किसी कोड में डिफाइन हुआ है वो नंबर एज अ फेलियर क्राइटेरिया डला होता है। तो कैपेसिटी ना सिर्फ मटेरियल प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करती है, क्रॉस सेक्शनल ज्योमेट्री और उसकी प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करती है, बल्कि फेलियर क्राइटेरिया पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, यानी मैक्सिमम स्ट्रेन क्या होगी, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व यानी मटेरियल प्रॉपर्टी, और फिर सेक्शन शेप या रीबार अरेंजमेंट यानी क्रॉस सेक्शन प्रॉपर्टी। तो तीनों चीज़ें, अगर मैं इसको 1 कहूँ, इसको 2 कहूँ और इसको 3 कहूँ, तो बेसिकली ये 1 है, ये 3 है और ये 2 है, इन सब से मिल के कैपेसिटी बनेगी। सो मैं एक सॉल्व एग्जांपल है, बट ये मैं आपके शामिल नहीं करता इस लेक्चर में, बट आप ये देख सकते हैं कि अगर आपको एक गिवन क्रॉस सेक्शन दिया हो तो आप कैसे पॉइंट बाय पॉइंट जो है वो पीएम इंटरैक्शन कर्व बना सकते हैं। ये मैं सब स्किप करता हूँ, आप में से जो इंटरेस्टेड है वो फिर इसको देख ले, बट अल्टीमेटली इन सारी स्लाइड्स के नतीजे में आपके पास ये पीएम इंटरैक्शन कर्व बन जाएगी। तो मुझे ये क्रॉस सेक्शन गिवन था, मैंने इसमें स्टील की अमाउंट, एफ सी प्राइम, एफ वाई सब कुछ गिवन था, तो मैंने पॉइंट बाय पॉइंट ये पॉइंट्स कैलकुलेट कर लिए हैं कि वो कौन से मोमेंट्स और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग वो कौन से एक्सियल लोड हैं जिन पे ये कॉलम फेल हो सकता है। ठीक है, ये आप सेक्शन डिजाइनर में प्लॉट करें, वहाँ पे कर्व प्लॉट करें, वो इससे करीब करीब ही आ जाएगी, बट ये मैं स्किप करता हूँ। बट आपको टेक अवे ये है कि किसी भी गिवन कॉलम के लिए अगर साइज गिवन है, स्टील गिवन है, सब कुछ गिवन है, तो आप ये कर्व बना सकते हैं। ठीक है, और फिर कोई भी पेयर दिया जाए तो चेक करके बता सकते हैं कि ये सेफ है या नहीं सेफ। सो अब इस डिस्कशन को चले, मैं ये सब को स्किप करता हूँ, डायरेक्टली बाई एक्सियल लोडेड कॉलम पे चला जाऊँगा। ये देखें, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि रीइन्फोर्समेंट की सिमेट्री क्रॉस सेक्शन में जो है उसका भी इसकी शेप पर इफेक्ट होता है। ठीक है, अब ये पीएम इंटरैक्शन कर्व है एक कॉलम की, लेकिन ये पॉजिटिव में भी है, नेगेटिव में भी है। तो ये पी जो है वो टॉप के ऊपर कंप्रेशन है, बॉटम पे टेंशन है। इसी तरह ये एक तरफ पॉजिटिव मोमेंट है, इस तरफ नेगेटिव मोमेंट है। तो कर्व सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव एक्सिस में नहीं होती बल्कि नेगेटिव नेगेटिव में भी होती है। तो आप देखें, ये परफेक्टली सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन था एक एक्सिस के अबाउट, तो उसकी शेप भी सिमेट्रिक है। एक तरफ से स्टील कुछ निकाल दिया है, उसको अनसिमेट्रिक कर दिया है, तो उसकी देखें वो स्क्यू हो गई है एक तरफ की। ठीक है, सो इसका मतलब है कि ये इसकी साइज पर, अमाउंट ऑफ स्टील पर, अरेंजमेंट ऑफ स्टील पर डिपेंड करता है। सो आप सेक्शन डिजाइनर में ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, मैंने एक जगह में दिखाऊंगा अभी मैं भी, और आप भी कर सकते हैं। एक क्रॉस सेक्शन डिफॉल्ट में उसमें जो है वो बनाएं और फिर देखें कि आप उसमें क्या तब्दीली करते हैं, और बार बार देखें कि पीएम इंटरैक्शन कर्व पे, एमफी कर्व पे क्या फ़र्क पड़ता है। उससे बहुत सी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। इवन एफ सी प्राइम वेरी करवा के देखें, एफ वाई वेरी करवा के देखें, और उसके डायमेंशंस को वेरी करवा के देखें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा और आपको वो की पॉइंट पिक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने फील्ड में कोई क्विकली साइज तब्दील करना है जो डिज़ाइन में आ गया वो अवेलेबल नहीं है,
किसी और की शटरिंग लग चुकी है, और अब आप ये फैसला करना चाहते हैं कि जो अब एग्जिस्टिंग साइज है वो एडिक्वेटली परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, सो आपको क्विकली आइडिया हो जाएगा कि अगर मैं एक स्केयर सेक्शन है उसको रेक्टेंगुलर में बदल दूंगा तो मेरी पीएम इंटरेक्शन कर्व पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, वो एक तरफ को ज्यादा मोमेंट लेगी, दूसरी तरफ से कम मोमेंट लेगी। ठीक है, और अगर मैं एक अमाउंट ऑफ स्टील जो है वो एक साइड से उठा के दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा। तो क्विक डिसीजन मेकिंग में ये जो आपने अपनी इंट्यूशन डेवलप की होगी ना पैरामीट्रिक स्टडी कर करके, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। हो सकता है आप कुछ पैरामीटर्स के बारे में ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हों, वो इतने ज़्यादा अफेक्ट ना करते हों कैपेसिटी को, और हो सकता है कोई बहुत सेंसिटिव चीज़ें हैं जो मिसाल के तौर पे कंक्रीट का इलास्टिक मॉडुलस है, इसके बारे में आम तौर पे कोई किसी भी कंस्ट्रक्शन के फेज में कोई सेंसिटिविटी नहीं शो की जाती, हालांकि ये वो मेन वेरिएबल है जो के मैट्रिक्स में जा रहा है, मेन पैरामीटर है सॉरी जो के मैट्रिक्स में जा रहा है, और के मैट्रिक्स यानी आगे सारा स्ट्रक्चर के बिहेवियर का फैसला कर रही है। ठीक है, सो इसी तरह और बहुत सी चीज़ें, कॉलम का एक एक बिल्डिंग लेट से ऑलरेडी एक्स या वाई में से किसी एक डायरेक्शन में वीक है, तो जाहिर है आप ये डिसाइड करेंगे ना कि अगर रेक्टेंगुलर कॉलम है तो इसकी लॉन्गर साइड जो है वो वीकर डायरेक्शन में प्रोवाइड की जाए, ताकि उस डायरेक्शन में बिल्डिंग की स्टिफनेस थोड़ी सी बराबर कर दी जाए। अगर आपकी बिल्डिंग का लेआउट या जो फुटप्रिंट है प्लॉट है वो ही इस तरह का रेक्टेंगुलर है, तो नेचुरली आपकी ये एक्स एक्सिस ज़्यादा स्ट्रांग होगी, वाई एक्सिस वीक होगी। ठीक है, तो आप खुद डिसाइड करेंगे कि अगर कॉलम्स प्रोवाइड करने हैं रेक्टेंगुलर तो फिर आप उनको इस तरह से ओरिएंट करें कि लॉन्गर साइड फिर वीकर डायरेक्शन में आ जाए, ना कि आप इस तरह से ओरिएंट करें कि एक साइड ऑलरेडी वीक है और कॉलम की भी वीक साइड वही दे दी आपने। ठीक है, कॉलम अगर रेक्टेंगुलर है इस तरह है तो आप ये कॉलम की वीकर साइड है, ये कॉलम की स्ट्रॉन्गर साइड है, आप बी डी क्यूब ओवर 12 करें तो आप इस साइड से अगर कैलकुलेट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ये डी डिक्लेयर होगा ना, और डी का क्यूब होता है उसमें, लेकिन अगर इस साइड्स के लिए अगर आप आई कैलकुलेट करेंगे तो फिर उसमें ये डी होगा जो स्मॉलर डी है। ठीक है, सो लिहाजा उसको इस तरह ओरिएंट करें। ये सारी वो चीज़ें जो अभी आप डेवलप कर सकते हैं अपनी इंट्यूशन मुख्तलिफ साइज़ के बारे में। सो आप अक्सर मुझसे क्वेश्चन किया जाता है कि हमें कैसे क्विकली कोई साइज़ गैस करना आएगा। ठीक है, सो उसका आम तौर पे ये आंसर दिया जाता है कि ये एक्सपीरियंस के साथ आएगा, आप कहीं जॉब करेंगे वहाँ कई बिल्डिंग्स जब आपके सामने से गुजरेंगी आपको पता चल जाएगा ये कंक्रीट के टिपिकल साइजेस हैं, अगर ये बिल्डिंग की हाइट हो ये एरिया हो तो ये साइजेस मोस्टली ओके होते हैं। बट एक शॉर्टकट भी है इसका, ये तो आंसर दुरुस्त है मैं इसको गलत नहीं कहता, बट आप यहाँ बैठे बैठे भी ये इंट्यूशन बना सकते हैं अगर आप अपने छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट डिवाइस करें कि आपके पास प्रोग्राम अवेलेबल है क्विक में 1 सेकंड में बटन दबाते हैं तो आ जाता है आंसर। ठीक है, सो आप वो खुद अपने छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट डेवलप करें प्रोग्राम के अंदर, केसेस बनाएं, पैरामीट्रिक स्टडी करें और प्लॉट्स डेवलप कर लें, मसलन बीम की डेप्थ के साथ देख लें कि उसकी मोमेंट कैपेसिटी का क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, या उसकी अमाउंट ऑफ स्टील का क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, साइज़ के साथ बी के साथ भी एच के साथ भी आपको उसके नतीजे में पता चल जाएगा कि वो टिपिकल साइजेस क्यों चलते आ रहे हैं अभी तक, बिकॉज वो ही सबसे स्टेबल और सबसे ज़्यादा कैपेसिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो आप नई चीज़ ट्राई किए बगैर पहले से ही अंदाज़ा रख लेंगे अगर इस तरह के छोटे छोटे आप पैरामीट्रिक स्टडीज़ कर लें। सो मैंने सेक्शन डिज़ाइनर में ये चीज़ें काफ़ी दफ़ा की हैं, कुछ इन स्लाइड्स में भी आ रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सेम एफ सी प्राइम हो, सेम एफ वाई हो, सेम अमाउंट ऑफ स्टील हो और शेप तब्दील कर दी जाए तो क्या होगा। ठीक है, सो इस तरह के आप कंपैरिजन प्लॉट कर सकते हैं। सो आप देखें कि इसमें जो इस तरह का ये क्रॉस सेक्शन है, देखें कि जिसमें स्टील भी उसी तरह ओरिएंट हुआ हुआ है जिस डायरेक्शन का मोमेंट आप कैलकुलेट कर रहे हैं, टॉप पे और बॉटम पे। ठीक है, उस सूरत में ये सबसे ज़्यादा मोमेंट कैपेसिटी मिल रही है, लेकिन अगर आप इसको स्प्रेड करके देंगे या इस तरह से पेरिफ्री के करीब देंगे तो एक्सियल लोड कैरिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा मिल जाएगी। ठीक है, यानी अब ये लेकिन ये जो फ्लैट हुई हुई है कर्व ये इसलिए हुई हुई है कि एसीआई कोड ने एक फी फैक्टर अप्लाई कर दिया हुआ है। ठीक है, सो आप एक ये नहीं कि सारी की सारी कैपेसिटी इस्तेमाल करते हैं बल्कि आप उससे थोड़ा नीचे आ जाते हैं,
सो ये फी फैक्टर असल में इस इन पॉइंट्स को नीचे लेके आ रहा है, 0.9 या 0.8, 0.65, इस तरह से ये फैक्टर होगा। सो अब ये देखें, इस तरह ही है। फॉर एग्जांपल स्टील को मैंने चेंज किया है, बाकी सब चीज़ों को कांस्टेंट रखा है, तो बिल्कुल जैसे जैसे मैं स्टील चेंज कर रहा हूँ बिल्कुल प्रोपोर्शनली आपकी कैपेसिटी भी बढ़ रही है, ठीक है। और आपने जो अभी एक डिज़ाइन एड देखी थी उसमें भी यही ट्रेंड था, बड़ी एक नाइस फैमिली ऑफ कर्व थी जो डिफरेंट रो की वैल्यूज़ के ऊपर थी। सो इसका मतलब है स्टील की अमाउंट का तो ब्राह रास्त रिलेशन है कैपेसिटी के इंक्रीज़ होने से, और वो कैपेसिटी फिर सिर्फ किसी एक पी में और एम में इंक्रीज़ नहीं हो रही, दोनों में हो रही है, ठीक है। अगर मैं स्टील को डबल कर देता हूँ यहाँ से यहाँ ले जाता हूँ तो मेरा फेलियर मोमेंट भी बढ़ गया और फेलियर लोड भी बढ़ गया, दोनों पूरा पेयर मेरा उठ के आगे चला गया। लेकिन अगर मैं गैमा का इफेक्ट देखूँ, ये जो डायमेंशन है आपके कि आपने किस लेंथ में अपनी स्टील को फैलाया हुआ है, गैमा एच असल में इसका पैरामीटर है, क्लियर कवर माइनस कर दें तो उसमें आप देखें कि गैमा का मतलब है कि मैंने स्प्रेड कैसे की हुई है अलॉन्ग वन डायमेंशन ऑफ द बीम स्टील, उसमें सिर्फ मोमेंट में इजाफा हो रहा है, ठीक है। एक्सियल लोड में कोई इजाफा नहीं हो रहा, जो एक्सियल लोड कैरिंग कैपेसिटी है उसमें इजाफा नहीं हो रहा, क्योंकि अमाउंट ऑफ स्टील सेम है, सिर्फ उसको मैं प्रोवाइड किस अरेंजमेंट से कर रहा हूँ वो तब्दील है। तो देखें वो क्या कर रही है कि गैमा 0.9 ऑप्टिमम है, 0.9 का मतलब है जितना ज़्यादा आप पेरिफ्री के करीब जा सकते हैं, फैला के दे सकते हैं स्टील, उतना अच्छा है, उतनी ज़्यादा मोमेंट कैपेसिटी मिल जाएगी। हाँ, एक्सियल लोड कैरिंग कैपेसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अमाउंट ऑफ स्टील तो नहीं बढ़ रही ना, वो तो कॉन्स्टेंट है, तो लिहाजा जो स्टील ने अगर कंप्रेशन में यील्ड होना है तो वो उसी नंबर पर होगी, चाहे फैला के दें चाहे सेंटर में दे दें इकट्ठा करके दे दें। इसी तरह ये अब मैं इसको छोड़ता हूँ, ये देखें यहाँ पर मैंने फेलियर क्राइटेरिया बदल दिया, मैंने प्रोग्राम को कहा है कि जब कंक्रीट 003 पे पहुँच जाए तो उसको फेलियर मानो और हर दफ़ा पॉइंट कैलकुलेट करके प्लॉट कर दो, फिर 0.354 पे भी है तो उससे भी कर्व चेंज आ रही है। सो बहरहाल अब बाई एक्सियल पर आ जाते हैं, बट उससे पहले मैं एक क्विक चीज़ आपको दिखा दूँ ACI कोड में से ही, और वो पॉइंट ये है कि ACI में चैप्टर 10 जो है वो कॉलम्स का चैप्टर है, उसमें बस एक पॉइंट आपको दिखाना चाहता हूँ, ऑब्वियसली कि ये चैप्टर तो सब को कवर करेगा, ये चैप्टर 10 है, ठीक है, ये कॉलम्स का चैप्टर है और इसमें जो प्राइमरी आपको पता है कि डिज़ाइन इक्वेशन डायरेक्टली पहले गिवन होती है, सो ये डिज़ाइन इक्वेशन अवेलेबल है, चारों एक्शंस के अगेंस्ट ये डिज़ाइन इक्वेशन है, ठीक है, और ये हर मेंबर के लिए आपने देखी है। जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि फैक्टर्ड एक्सियल लोड एंड मोमेंट में लिखा हुआ है जनरल रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ के, रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ में आगे से फिर इस सेक्शन में PU एंड MU अकरिंग साइमल्टेनियसली फॉर ईच एप्लीकेबल फैक्टर्ड लोड कॉम्बिनेशन शैल बी कंसिडर्ड, ठीक है। डिज़ाइन में PU और MU किसी एक कॉम्बिनेशन से आने वाला जो पेयर है वो साइमल्टेनियसली कंसिडर करना है रीइन्फोर्समेंट को कैलकुलेट करने के लिए या उसका डिसीजन लेने के लिए। अब इसको समझाने के लिए यहाँ पर उन्होंने एक एग्जांपल दी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है और वो आपको क्लियर हो जाएगा इससे पॉइंट। लेट से कि मैंने एक मेरा कॉलम है उसको डिज़ाइन करने के लिए मैं तीन लोड कॉम्बिनेशन जो है वो मैंने इस्तेमाल किए हैं, एक को मैं कह देता हूँ LC1, LC2 और LC3, ठीक है। LC1 से जो मेरे पास P और M का पेयर आ रहा है, मैक्सिमम P और M का पेयर आ रहा है, उसको मैंने नाम दिया MU1 और PU1 नहीं, उसको कहा PU Max कह दिया बिकॉज बाकी दोनों से ज़्यादा P प्रोड्यूस कर रहा था ये, तो PU Max और MU1 ये पेयर है जो LC1 ने प्रोड्यूस किया, ये कोई कॉम्बिनेशन था लोडिंग का जिससे जो मोमेंट और उसका पेयर आ गया वो ये। LC2 देखें वो यहाँ पर है, LC2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पेयर आया कैलकुलेट हो गया एनालिसिस से वो था PU2 और MU Max। MU2 इसको इसलिए नहीं कहा कि ये बाकी दोनों की निस्बत सबसे ज़्यादा मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। और एक तीसरा लोड कॉम्बिनेशन भी मैंने इस्तेमाल किया इसी कॉलम के डिज़ाइन के, उसने जो P और M का कॉम्बिनेशन मुझे दिया वो था PU3 MU3, ठीक है। इसमें जो P था वो LC1 के P से कम था,
और जो m था वो एल सी टू के m से कम था, तो वो पेयर एल सी थ्री कहीं यहाँ पे इस कर्व में यहाँ पे प्लॉट हो रहा है, ठीक है। अब एक्चुअल जो ट्रू कैपेसिटी कर्व है, जो कॉलम के एक्चुअल क्रॉस सेक्शन साइज और स्टील वगैरह पे डिपेंड कर रही होती है, ये ग्रीन लाइन जो इसमें शो हो रही है ये एक्चुअल कैपेसिटी कर्व है। यानी अगर आप यही क्रॉस सेक्शन जो कॉलम का है, ये सेक्शन डिज़ाइनर में एक ट्रायल रीइन्फोर्समेंट और ट्रायल वो डाल दें सब कुछ साइज, तो ग्रीन लाइन आपको मिल जाएगी। ग्रीन लाइन के मुताबिक ये तीनों लोड कॉम्बिनेशन सेफ हैं, ठीक है, यानी वो तीनों उसके अंदर हैं। बट ये जो ऑरेंज लाइन है ये ACI की लाइन है। ACI आपको ये कहता है कि आप नॉमिनल कैपेसिटी इस्तेमाल ना करें, MN और PN जो कि एनालिसिस से, क्रॉस सेक्शन एनालिसिस से आएगी, बल्कि आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाएं, यानी जो स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर है। तो जब आप MN पे फी फैक्टर लगाएंगे, PN पे फी फैक्टर लगाएंगे उसका अपना, तो आपको ये ऑरेंज लाइन मिलेगी, ठीक है। सो असल में जो आप डिज़ाइन में कर्व यूज़ करेंगे वो ऑरेंज लाइन होगी, और आपका जो सेफ रीजन है वो इस ऑरेंज लाइन के अंदर है, जिसको एक्सेप्टेबल रीजन कहा हुआ है। अब आप देखें कि LC1 ने बाकी दोनों की निस्बत ज़्यादा मोमेंट प्रोड्यूस, ज़्यादा एक्सियल लोड प्रोड्यूस किया है, LC2 ने बाकी दोनों की निस्बत ज़्यादा मोमेंट प्रोड्यूस किया है, लेकिन दोनों सेफ हैं। LC3 ने ना मोमेंट ज़्यादा प्रोड्यूस किया है ना एक्सियल लोड ज़्यादा प्रोड्यूस किया है, बट वो अनसेफ है, वो बाहर है इस कर्व से, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपने हर लोड कॉम्बिनेशन को आपने बाद में PM कर्व में देखना है, और बिल्कुल आप रिजल्ट्स को देख के नहीं कह सकते कि ये लोड कॉम्बिनेशन चूंकि सबसे ज़्यादा एक्सियल लोड प्रोड्यूस कर रहा है लिहाजा कॉलम में इसमें फेल हो जाएगा, या ये लोड कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा मोमेंट कर रहा है तो ये कॉलम इसमें फेल हो जाएगा। आपके सामने एक एग्जांपल है कि LC3 में ना मोमेंट हाईएस्ट था ना एक्सियल लोड हाईएस्ट था, लेकिन ये पेयर ऐसा था कि इस पेयर ने मिल के फेल करवा दिया, ठीक है, ये बात समझ आई आपको। यानी LC1 और LC2 सेफ हैं, हालांकि उनका पी मैक्सिमम था, एक का एम मैक्सिमम था। तो ये है इसका मतलब जब वो कहते हैं साइमल्टेनियसली आपने पी और एम को कंसिडर करना है, ठीक है। सो लिहाजा आप जिस तरह बीम के केस में आप ये कर सकते हैं ना, 50 लोड कॉम्बिनेशन है, उन सब से आने वाला एम यू एक लिस्ट डाउन करें, उसका मैक्सिमम एम देखें, वो लोड कॉम्बिनेशन गवर्न करेगा। कॉलम में यू नहीं है, एक एक लोड कॉम्बिनेशन को देखा जाएगा कि वो पेयर के तौर पर एज अ एक्शन सेट देखा जाएगा कि वो उसके अगेंस्ट कॉलम सेफ है या नहीं है।